नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बहनों संग बरखा उत्सव में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कहते हैं ना, रंगीले सावन का महीना हजारों खुशियां लेकर आता है। कुछ ऐसी ही खुशी देखने को मिली बरखा महोत्सव में, जहां बहनों ने सावन के गीत गाकर और थाल सजाकर अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की और कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौसम में कुमारी, हवाओं में महक, सावन के झूले और प्यारी बहन, कुछ इस तरीके का नज़ारा आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बरखा उत्सव में, जहाँ झूले भी हैं, बहनें भी हैं और राखियाँ भी हैं। जिम्मेदारियों से इतना वो थे, अब ये अपन को प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो इसलिए इंटरेस्ट आया कि चलो अपन कर सकते हैं। एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है लेडीजों के लिए। ये महोत्सव जो हो रहा है वो महिलाओं को एक मंच दिया जा रहा है, उनकी झिझक जो उनके अंदर है, जो घर में है महिलाएं, उनको एक प्लेटफॉर्म इसलिए दिया जा रहा है कि वो फ्री हों, वो अपनी अपनी जो इच्छाएं उनने दबा के रखी थी वो इच्छाओं को वो उभार सके और वो खुल के जी सकें, अपनी इच्छाओं को मारे नहीं। तो वो सब ये जो NH12 क्रिएटिव वुमेन्स क्लब की जो महिलाएं हों, ऐसे आयोजन होने चाहिए। प्यारी बहना थीम पर आयोजित कार्यक्रम में अलग ही अंदाज में थाल डेकोरेशन कर पूरे भारत की कहानी बयां की गई। आप सोच रहे होंगे कि राखी पर थाल डेकोरेशन? जी हाँ, इस थाल डेकोरेशन में विभिन्न संस्कृति और सोशल मैसेज देखने को मिले। इसमें खास तौर पर सेव गर्ल चाइल्ड, पर्यावरण बचाओ और देशभक्ति थीम से थालियों को सजाया गया। बरखा उत्सव वैसे क्या है कि हमें प्रकृति से जुड़ने के लिए, सावन में जब बारिश आती है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और उस सबको हम व्यक्त करने के लिए इस तरह के आयोजन रखते हैं, जिसमें झूले भी मतलब झूले जाते हैं और उसका सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ाव बना रहे हैं। हमारा ट्री होंगे तभी तो हम झूलेंगे, मतलब इस चीज़ के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम पेड़ लगाएँ ताकि हमारी आगे वाली पीढ़ियाँ झूला झूल सके, इसलिए हम इस तरह के आयोजन रखते हैं और वो हमारे मतलब प्रकृति से जुड़ाव का एक वो है।
कॉन्फिडेंस से जोड़ के देख सकते हैं। एक औरत महिला जब बाहर निकलती है तो उसको समझ में आता है कि हमें कैसे किससे बिहेव करना है, कैसे टॉक करनी है। तो मेरे देखने में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो आज महिलाओं में बहुत कमी है, उसके लिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म होते रहने चाहिए, बनते रहने चाहिए। सुहाने मौसम में खुशहाली और आनंद के बीच परंपरागत गीतों पर झूलों के संग महिलाओं ने समा बांधा। बहनों ने भाइयों की लंबी आयु की कामना की और एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षाबंधन पर विश्वास की डोर को मजबूत करने का संकल्प लिया। वहीं बहनों ने सावन के महीने में हाथों में खूबसूरत मेहंदी लगाई और भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बरकरार रखने की बात कही। सावन का यही मतलब है कि आप पूरा श्रृंगार करें। सावन में मेहंदी सबसे बड़ा श्रृंगार होता है, एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए वो सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली क्या है ना, हिंदू समाज में ये कॉम्बिनेशन ही हर त्यौहार को सजाते हैं। सावन में झूले ना हो तो सावन अधूरा है। हम जानते हैं कि सावन में झूले क्यों लगाए जाते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे कि ये सावन में जो झूलों का कहावत है या गाने बने हैं ये क्यों बने हैं। सावन में झूले इसलिए लगाए जाते हैं कि भाई अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए बहनों के लिए झूले लगाते हैं और वही बहनें उसे 16 श्रृंगार करके उन्हें अपना प्यार जताती हैं। सावन में देखिए, हमारे तो पीढ़ियों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि काफ़ी झूले लगते हुए आ रहे हैं, चाहे छोटे हों या चाहे बड़े हों। तो जो भाई होते हैं वो अपनी बहनों को लाड़ जताते हैं झूले डाल के, उनको झूलों पे झूला के, और बहनें वहीं उनको 16 श्रृंगार करके ये बताती हैं कि वो कितनी खुश हैं अपने ससुराल में। जितना उनको लाड़ प्यार उनके मायके में मिलता है, उतना ही लाड़ प्यार उनको उनके ससुराल में भी मिलता है। तो इसलिए वो झूले डालते हैं और उन झूलों के ऊपर भाई अपने बहनों को झुलाते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, 16 श्रृंगार में महिलाओं को देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 16 श्रृंगार जो कि महिलाओं का गहना होता है, और जब महिलाएं 16 श्रृंगार कर रैंप पर जलवा बिखेरे तो नजारा कुछ ऐसा था मानो पूरे देश की संस्कृति एक मंच पर सिमट आई हो। महिलाओं ने रैंप वॉक के दौरान अपने हाथों में थाली लिए अलग ही मिसाल पेश की। महिलाओं
माला श्रृंगार के साथ ही रैंप पर अपना जलवा बिखेरा। Oh,
ये बरखा महोत्सव होता है, तो बरखा महोत्सव में मैं हमेशा तैयार होकर आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये अंशु गुप्ता का प्रोग्राम है और ये काफ़ी अच्छा रहता है। पूरा सोलह श्रृंगार करके आना होता है, बरखा उत्सव मनाते हैं हम लोग, झूले पे झूलते हैं, सोलह श्रृंगार करते हैं, दुल्हन की तरह सजते हैं और सुंदर सी थाली वगैरह सजा के आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। काले काले मेघ देखते ही मोर जहाँ अपने पंख फैलाकर खुशी जताते हैं, वही महिलाएं भी सावन के गीतों पर नाच गाकर अपना मनोरंजन करती नजर आई। छम छम बरसती बूंदों के बीच झूलों पर ऊंची ऊंची पींगे, सखियों का हास परिहास, सास नंद के ताने उन्हाने, पिया से रूठना मनाना, सब कुछ शामिल होता है इन लोकगीतों में। Thank you.
बरखा महोत्सव का आयोजन किया है। इसमें हमने सभी महिलाओं को 16 श्रृंगार में बुलाया है, क्योंकि वो सौभाग्य भगवान ने आपको दिया है, तो आप उन्हीं 16 श्रृंगारों में आएं। और एक साथ में हमने इसको थाली डेकोरेशन की थीम भी दी है। वो थीम ये है कि आप अपने एंड से आप अपने आप समाज हित के लिए क्या कर पाएंगी वो थाली में सजा के बताइए। तो चाहे वो गर्ल एजुकेशन हो, चाइल्ड लेबर हो, मेडिकल पे हो, पर्यावरण पे हो, सामाजिक सुरक्षा पर हो, किसी भी थीम को आप लीजिए और उस थीम को आप थाली के थ्रू समाज को बताइए कि मैं अपने उद्देश्य इस तरह पूरे करूँगी समाज हित के लिए। तो ये सारी चीज़ों का समावेश है। यहाँ पे नृत्य भी है, संगीत भी है, मेहंदी भी है, झूले भी हैं। और जिस तरह ये सारी महिलाओं को आपने देखा, कितनी सुंदर, आज ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान ने इन्हें अप्सराओं को ज़मीन पर आज के लिए भेजा है। तो ये माहौल जो आज यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो मुझे लगता है कि आज बहुत सुंदर भोपाल में साक्षात देव भी, इंद्रदेव भी खुश हो गए और बाहर झमाझम बारिश हो रही है। तो ये सही अर्थों में बरखा महोत्सव का यहाँ पे आयोजन जो है फलीभूत हो रहा है। रेशम का धागा, सावन की फुहार, आप सभी का मुबारक हो सावन का त्यौहार। तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला बरखा उत्सव में, जहां प्यारी बहन थीम पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की। भाई बहनों का रिश्ता यूं ही अटूट रहे, इसी दुआ के साथ डीएनएन परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनएन। नमस्कार।